नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करेंगे नीदरलैंड वर्सेज नामीबिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पांचवा मैच खेला जाएगा जिलोंग स्टेडियम मेलबोर्न के अंदर। और हम बात करेंगे दोनों में से कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन कैप्टन के लिए दावेदार है और कौन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट पिक हो सकती है आज के मैच के लिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेडियम की। तो ये स्टेडियम न्यूट्रल विकेट कह सकते हो, यहाँ पे रन भी स्कोर होते हैं प्लस विकेट भी गिरते हैं। और मैक्सिमम टाइम एज ए फैंटेसी प्लेयर आप प्रेडिक्ट करते हो स्कोर को, तो मैक्सिमम टाइम अपन फोकस करते हैं कि बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में से प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो हम उसी को फॉलो करते हुए आज के मैच में अपन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सिलेक्शन के लिए ऑलराउंडर सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई एक दो प्लेयर ऐसे हैं, दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि बैटिंग सेक्शन में अच्छा करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप किन को पिक करके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। हम दूसरी बात कर लेते हैं इस पिच के अंदर, इस पिच पे किसको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। तो ऑस्ट्रेलियन पिच के अंदर आपको पता है यहाँ पे पेची विकेट होता है, यहाँ पे बाउंस हर एक बॉलर को अच्छी बाउंस मिलती है। और यहाँ पे ऐसा पिच कंडीशन नहीं है कि कई बार बॉल नीचे रह जाती है, नहीं, प्रॉपर बाउंस यहाँ पे होती है। तो पेसर को हेल्प मिलती है, आपको पता है जहाँ पे पिच में बाउंस होगी तो वहाँ पे प्रेशर को हेल्प मिलती है, और जहाँ पे पिच में बाउंस नहीं होती तो वहाँ पे स्पिनर्स और जो बॉलर मतलब कि आपके स्लोअर बॉलिंग का प्रयोग करते हैं वो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे अपना विकेट स्प्लिट की बात करें तो सबसे पहला क्लियर डाउट हमारा हो गया है कि अपन को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्शन के लिए ना पेसर के साथ में जाना चाहिए, ना कि स्पिनर के साथ में। आप स्पिनर को एज ए फैंटेसी प्लेयर पिक कर लो, लेकिन एज ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करो तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। हम बात करेंगे स्टार्टिंग आवर की, स्टार्टिंग बॉलर कौन हो सकता है दोनों टीम से। तो जी इरास्मस जो कि बॉलिंग कम करते हैं, नहीं करते हैं ऑफिशियल, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, पावर प्ले में कभी कभार करते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की थी। तो कल के मैच में ये पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि इनको सुपर 12 में जगह बनानी है। तो ये अपना बेस्ट से बेस्ट देने की दोनों टीम ट्राई करेगी, और दोनों टीम अच्छी है। कंपेरिजन बात करें तो थोड़ा सा पलड़ा भारी है तो आपकी नीदरलैंड का, क्योंकि इनके 11 के 11 प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नामीबिया के कई 5-6 प्लेयर ऐसे जो कि परफॉर्मेंस दिखाते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल 4-5 प्लेयर ऐसे जो कभी दिखाते हैं परफॉर्मेंस, नहीं कभी नहीं दिखाते, तो वो चीज़ बात करते हैं। तो दोनों टीम अच्छी है, अच्छी फाइट होगी कल के मैच के लिए। और हम बात करते हैं स्टार्टिंग बॉलिंग फ्रॉम नीदरलैंड साइड, तो आप कह रहेंगे फ्रेड क्लासन और लोगान वैन बीक। अब देखो फ्रेड क्लासन ने तो लास्ट मैच में 2 विकेट पिक किए थे, तो उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, मतलब बहुत ही अच्छा सर इलेक्शन परसेंटेज है। लेकिन लोगान वान बीक का मतलब कि क्या बोलर है ये, इनको लास्ट मैच में ए विकेट क्या नहीं मिला, इनका सिलेक्शन परसेंट बिलो 10% चला गया, ये गलत बात है। इनको आपको पिक करना है आँख बंद करके, स्मॉल लीग के प्लेयर है ना, रिस्क की स्मॉल लीग प्लेयर आपके लोगान वान बीक आपके बन सकते हैं। क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलियन पिच पे है ना पेसर को हेल्प मिलती है, कभी कभार विकेट नहीं मिलते पेसर को, वो बात अलग होती है। लेकिन ये प्लेयर है ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में खेले हुए हैं, ये न्यूजीलैंड कंडीशन में बहुत अच्छे खेले हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बहुत अच्छे खेले हुए बॉलर हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। डेथ ओवर की बात करें तो जे फ्रैंकलिन और डेविड विशे करेंगे फ्रॉम आपके नामीबिया साइड, और बस्टी लिडे और फ्रेड क्लासन करेंगे आपके नीदरलैंड के लिए। देखो बस्टी लिडे का सिलेक्शन परसेंटेज एज ए कैप्टन 40+ है, तो देखो जनता जा रही है इनके पास में। हाँ हम जानते हैं कि है ना डेथ ओवर करेंगे प्लस बैटिंग में भी अच्छा स्कोर करते हैं, 3 और 4 नंबर बैटिंग करते हैं तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि है ना इनको विकेट भी ना मिले और ये रन भी स्कोर करे तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जितना स्कोर ना करे। अब देखो कारण क्या हो सकता है कल के मैच में फ्लॉप होने का, देखो ऑलराउंडर सेक्शन में से देखो लोगान में बीक चलेंगे ना, एल लोगान में बीक जो आप समझ चुके हो, और दूसरे ऑप्शन आपके बस्टी लिडे। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या आएगा, दोनों में से एक प्लेयर चलेगा ये तो कंफर्म है। अब दोनों में से देखो स्मॉल लीग के अंदर तो आप हाई सिलेक्शन के साथ में जाओ, ग्रैंड लीग के अंदर आप लो सिलेक्शन प्लेयर के साथ में जाओगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा, यदि ये एक भी विकेट लेते हैं ना तो आपकी विनिंग जोन तो कन्फर्म हो गई, प्लस जो कि आपकी 80% प्लेयर को आपकी टीम है ना छोड़ देगी, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ 20% टीम से होगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि लो सिलेक्शन प्लेयर ही ग्रैंड लीग के अंदर गेम को बनाते हैं, ठीक है।
डेथ बॉलर स्टार्टिंग बॉलर का महत्व मैंने बता दिया है और किनको पिक करना है, जिनका सिलेक्शन कम है आप उनको पिक कर सकते हो। टीम पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पे नामीबिया के 6, नीदरलैंड के 5 ले सकते हो या 6 नीदरलैंड के 5 नामीबिया, आप किसी के साथ में जा सकते हो। लेकिन 6-5 का कॉम्बिनेशन रखना, 7-4 का कल के मैच में नहीं रखना, क्योंकि दोनों टीम अच्छी है, दोनों टीम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ठीक है। और क्रेडिट की बात करें तो 87-91 की रेंज आप रख सकते हो, बिलो जाए। अभी अपन जैसे टीम क्रिएट करेंगे, जैसे अपन प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेडिट आ जाएगा कि इतनी की रेंज के अंदर आपकी ड्रीम टीम बन जाएगी। कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1-4-3-3 हो सकता है पहला कॉम्बिनेशन, और दूसरा एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है 1-3-4-3। ये सारी बातें हो चुकी है, हम आते हैं अपने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पे। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, दो मैच इस वेन्यू पे हो चुके हैं, ये अभी के वक्त हुए, मतलब अक्टूबर के महीने में ये क्वालिफायर के मैच ही हुए थे। तो यहाँ पे नीदरलैंड ने एक मैच खेला हुआ है और नामीबिया ने यहाँ पे भी एक मैच खेला है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो नामीबिया के 7 प्लेयर रहे थे, यहाँ पे देखो जे फ्रैंकलिन और जे स्मिथ दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनका सिलेक्शन परसेंटेज एज ए कैप्टन 1% सिलेक्शन था जे फ्रैंकलिन का, लेकिन कल के मैच में देखो 22% सिलेक्शन है एज ए कैप्टन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो प्लेयर ऐसे होते हैं, जनता उनको जानती नहीं है। नेक्स्ट मैच में तो वो सभी पिक करेंगे, लेकिन तो अपन को तब पिक करना जब जनता पिक नहीं करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीदरलैंड के पास ऐसे ऑलराउंडर है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है। तो इसमें कॉम्बिनेशन देखो 1-3-3-4 का है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपके ऑलराउंडर सेक्शन में से। वाइस कैप्टन आपके देखो जे स्मिथ भी चलते, ठीक है, यहाँ पे बी सी कांगो है ये भी चलते, पी मधुसन है ये भी चलते। मैं हर मैच में हर एक वीडियो में कहता हूँ कि वाइस कैप्टन इतना महत्व नहीं करता है जितना आपका कैप्टन महत्व करता है। यदि किसी टीम में, ड्रीम टीम में किसी मैच में लो सिलेक्शन प्लेयर खेलते हैं ना, तो वाइस कैप्टन आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। ओनली गेम होता है कैप्टन का, यदि आपका कैप्टन एक्यूरेट है तो आप अच्छी विनिंग कर सकते हो मिनी ग्रैंड लीग के अंदर, तो और ही आसानी तरीके से जीत सकते हो। दूसरा मैच यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे देखो 6-5 का कॉम्बिनेशन बना था, यूए के 5 प्लेयर रहे थे और 6 प्लेयर रहे थे यहाँ पर नीदरलैंड के। देखो फ्रेड क्लासन और ट्री फ्रिंकल एक पेसर थे, लेफ्ट आर्म मीडियम, एक थे आपके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और बस्टी लीडो ने अच्छा स्कोर प्लस इन्होंने 3 विकेट लिए थे, डेथ ओवर में इन्होंने बॉलिंग की थी। अब इनको कब पिक करना है, यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है ना, तब आप इनको क्लियरली पिक कर सकते हो। लेकिन नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है ना, तो आप इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करो, इनकी जगह लुगानो इन बीक को आप ट्राई कर सकते हो सीवीसी के लिए। अभी मैं आपको मेरी चॉइस बताऊंगा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के कल के होने वाले मैच के अंदर, तो आप उनके साथ में जा सकते हो। तो हम बात करते हैं कैप्टन की, तो अपने कैप्टन रहेंगे जी इरास्मस, जे स्मिथ, लोगानविन बीक और पॉलवी मिक्रेन और फ्रेड क्लासन। अब देखो पॉलवी मिक्रेन को कब ट्राई करना है, यदि नीदरलैंड की टीम सेकंड बॉलिंग करे तभी आप इनके साथ में जाओ, यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन ना ट्राई करो तो अच्छा है। मैंने सिचुएशन बता दी है, आप इनको कप्तान बनाओ, है ना, सिचुएशन मैंने बता दी है। फ्रेड क्लासन को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, लोगानविन बीक को भी दोनों इनिंग में ट्राई करो, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज लो है। हालांकि ये है ना सेकंड इनिंग में ना अच्छा करते हैं, फर्स्ट इनिंग में इनका एवरेज 2 विकेट का रहता है, लेकिन सेकंड इनिंग में 3-4 विकेट लेने की क्षमता इनके पास है। लेकिन क्या कह रहा है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, तो आप इनके साथ में एज ए कैप्टन चले जाओ, या इनका सिलेक्शन परसेंट एज ए कैप्टन 0.65 है। यदि ये कल के मैच में रोक कर गए तो अच्छी खासी ग्रैंड लीग आप क्रैक कर सकते हो। ग्रैंड लीग क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो, मतलब कि आप 49 इन्वेस्ट करोगे। यदि लोगान में आप कैप्टन है और वही कैप्टन बने कल के मैच में, तो आपके कम से कम 3000 कम से कम विनिंग होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। देखो और दूसरे ऑप्शन है नामीबिया के साइड से आपके जे स्मिथ और जे इरास्मस। अब देखो जे स्मिथ आपके ऑलराउंडर सेक्शन में अब ऐड कर दिए गए हैं, पहले मैच में इनको बैटिंग सेक्शन में ऐड किया था, लेकिन इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और इनको ऑलराउंडर सेक्शन में ऐड कर दिया गया है। अब इरास्मस की बात करें, ये भी ऑलराउंडर है लेकिन ये बैटिंग सेक्शन में से है, लेकिन ये प्लस देखो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे तो आप इनको कैप्टन बना सकते हो, बाय चांस ये कैप्टन बन सकते हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो स्कॉट एडवर्ड जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है कल के मैच के लिए, एज ए वाइस कैप्टन आप इनको बना सकते हो। और ऑलराउंडर सेक्शन में जिनका हाई सिलेक्शन है ना एज ए कैप्टन, आप उनको वाइस कैप्टन ट्राई करो, ना कि कैप्टन ट्राई करो, तो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और बॉलिंग सेक्शन में से बी स्कॉल्स और बी सिकांगो। अब देखो बी स्कॉल्स को आप सेकंड इनिंग में ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई नहीं करना, वो बी सिकांगो को आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। इस वेन्यू पे ये अच्छी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, और आपको मैंने हर मैच में कहता हूँ कि पिच की रिपोर्ट अच्छी होती है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने मैच होते हैं ना वहाँ पे पिच की कंडीशन जानना बहुत ही महत्व होता है, अदर कंट्री की हम बात करें तो। ये अपने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हो गए, सारा का चिट्टा मैंने आपके सामने बता दिया है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके साथ में जाना चाहते हो। मैं तो ग्रैंड लीग के बता रहा हूँ, आप कैप्टन होना लोगानो बीक को
को मिनी ग्रैंडली के लिए आप जे स्मिथ को कैप्टन बना दो, ठीक है, दो चॉइस है, बेस्ट पिक है। और वाइस कैप्टन आप ना ऑलराउंडर सेक्शन में से ना ये जे फ्रैंकलिन और बस्टी लिडे आप इनके साथ में जा सकते हो। ठीक है, हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम क्रिएट करते हैं इसी एनालिसिस का यूज करते हुए। तो यहाँ पे देखो अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं, टीम जनरेशन सॉफ्टवेयर का नाम है, इसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं अपन टीम क्रिएट करेंगे। इसमें ना अलग मतलब कि एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए टीम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे देखो जितने अच्छे एनालिसिस आपके मैच के अकॉर्डिंग है तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो इस मैच के अंदर, और आप इस मैच के अंदर कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको फिक्स कर सकते हो। मैं आज फिक्स करके बताऊंगा आप किनको किनको फिक्स कर सकते हो। मैं अभी उन प्लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि लास्ट मैच में खेले थे। ऑलराउंडर सेक्शन में से मैं पिक कर लेता हूँ जो कि लास्ट मैच में खेले थे। अब यहाँ पे देखो ऑलराउंडर सेक्शन में 7 प्लेयर है। अब देखो नेदरलैंड के प्लेयर ऐसे हैं जिनको जिन्होंने इंग्लैंड के कंडीशन में बहुत अच्छा खेला हुआ है। देखो कोलिन एकरमैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, प्लस ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। यदि नेदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे ना तो आप इनके साथ में जा सकते हो, ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बाई चांस नेदरलैंड का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है ना तो कोलिन एकरमैन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि ये ना इन्होंने काउंटी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी इनिंग को बिल्ड करके एज ए कैप्टन बने फैंटेसी के अंदर, तो आप इनके साथ में जा सकते हो। कल का मैच ग्रैंडली के लिए बेस्ट सकता है आपके लिए। और देखो आरवी डर्मन की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, पहली इनिंग में अच्छा करते हैं कंपेयर टू सेकंड इनिंग। अब और 5 बॉलर खेलेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ ड्रीम टीम में सिर्फ 3 बॉलर रहेंगे। वो 3 बॉलर कौन कौन से रह सकते हैं मेरे हिसाब से, फ्रेड क्लासन, बी सिकांगो और आपके पोलवी विक्रेन आपकी ड्रीम टीम में रह सकते हैं। हम आते हैं अपने स्मार्ट सेक्शन का यूज नहीं करते हैं, अपन करेंगे एडवांस सेक्शन का यूज। देखो यहाँ पे 3 सेक्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सेक्शन में सिर्फ आपको टॉस का कंडीशन, पिच की रिपोर्ट और आपको टीम स्ट्रॉन्ग कौन सी है फिर बैलेंस टीम है वो आपको अप्लाई करनी होती है, टीम क्रिएट करनी होती है। एडवांस सेक्शन के अंदर आपका जो भी एनालाइज अपन करते हैं आप उनके साथ में जा सकते हो। फिक्स प्लेयर की बात करें तो यहाँ पे इरास्मस को फिक्स कर सकते हो, बस्टी लिस्टे और जे फ्रैंकलिन को फिक्स कर सकते हो, और यहाँ पे फ्रेड क्लासन को फिक्स कर सकते हो। कैप्टन सेलेक्शन के लिए मैं बता दिया, तो अपने कैप्टन थे फ्रेड क्लासन, जे स्मिथ, लोगानवी बीक और आपके इरास्मस। यहाँ पे देखो मैंने पोलवी विक्रेन को कैप्टन सिलेक्शन के इसलिए सिलेक्ट नहीं किया है, मेरे को जहाँ तक लगता है नेदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इनके साथ में नहीं जाना चाहो तो अच्छी बात है। वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन अपने एडवर्ड रहेंगे, बेस्टी लेडे और आपके जे फ्रैंकलिन, बी स्कॉल्स और बी शिकागो। तो यहाँ पे बी स्कॉल्स के आप पोलवी विक्रेन के साथ में भी जा सकते हो, और इनके साथ ये दोनों अच्छे बॉलर हैं, आप जिनकी चॉइस है आप उनके साथ में जा सकते हो। यहाँ पे 6 और 5 दोनों कॉम्बिनेशन आप ट्राई करो तो बेस्ट पिक हो सकती है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक क्रेडिट रेंज आ चुकी है, आप इसी रेंज के साथ में जाओ। और दो कॉम्बिनेशन अपने बता दें 1433 और एक बता था 1343, बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कल के मैच के लिए। नंबर ऑफ टीम अपन 11 टीम क्रिएट करते हैं, ये अपनी 11 टीम क्रिएट हो चुकी है और सारी टीमें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जिसके पास ये पीके है वो टीम को पा लिए जाएंगे, और यदि लाइनअप में कोई चेंज ना हो, सिंगल चेंज भी ना हो तो आप इन टीम के साथ में जा सकते हो। और मेरी मानो तो नेदरलैंड के 6 प्लेयर पिक कर लो और 5 प्लेयर आप नबी बीए के साथ में जा सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। 22 अक्टूबर से आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अदर कंट्री जो कि अच्छी कंट्री है उनका मैच होने वाला है, तो वो मैच कवर करेंगे इसी एपीके पे, इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपन टीम क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।